हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम फ्रॉम हिमांशु दत्ता। सो अगर आपने बहुत दिनों से एक स्मार्टफोन ले रखा है और आपको अपने खुद के स्मार्टफोन में कुछ नए नए फीचर्स चाहिए बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी डाउनलोड्स के, सो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ एंड्रॉयड के कुछ 5 हिडन फीचर्स जो कि गूगल की तरफ से काफ़ी हिडन हाइड किया गया है, और बिना किसी रूट के, बिना किसी डाउनलोड के ये फीचर्स आपको अपने एंड्रॉयड में मिल जाएंगे। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो पहले तो अपने फ़ोन के सेटिंग्स पे जाइए। जब सेटिंग्स ओपन हो जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर आइए और ये स्टोरेज और यूएसबी वाला ऑप्शन ओपन कीजिए। ओपन के बाद आपको यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज और सैनडिस्क का एसडी कार्ड दिखेगा। यहाँ पर इंटरनल, यहाँ पर एसडी कार्ड, आपका जो भी एसडी कार्ड हो वो यहाँ पर दिखा देगा। मेरा सैनडिस्क का है इसलिए सैनडिस्क का दिखा रहा है। सो अगर आपको अपने फाइल मैनेजर में इंटरनल स्टोरेज को ओपन करना है तो आप इंटरनल स्टोरेज पर टैप कीजिए। तो टैप हो जाने के बाद यहाँ पर एक एक्सप्लोर का ऑप्शन आता है, अब एक्सप्लोर पे टैप कर दीजिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और ये हो गया आपका एक फाइल मैनेजर। तो ये पता नहीं क्यों गूगल ने इतना पीछे छुपा है, लेकिन ये आपका जो सिस्टम है, सिस्टमेटिक फाइल मैनेजर, ये गूगल की तरफ से दिया गया है यहाँ पर एंड्रॉयड में। सो ये बिल्कुल ही सेफ है। तो अगर आपको एस डी कार्ड ओपन करना है तो आप एस डी कार्ड पे आकर टैप कर दीजिए। यहाँ पर कोई एक्सप्लोरिंग का जगह ही नहीं है, कोई एक्सप्लोरेशन नहीं करना पड़ता है। टैप करने के बाद ही डायरेक्टली फाइल मैनेजर ओपन हो जाता है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट फीचर। सो चलिए अब नेक्स्ट फीचर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फीचर के लिए आपको एक्सेसिबिलिटी ओपन करना पड़ेगा, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्विक बूट। तो क्विक बूट हमारे फ़ोन का जो एनिमेशन है, यानी कि हम जब स्क्रीन ऑफ़ करते हैं और स्क्रीन ऑन करते हैं तब का जो एनिमेशन है, उसको अगर आप क्विक बूट एनेबल कर देंगे तो वो काफ़ी फास्टेस्ट हो जाएगा, यानी कि काफ़ी फास्ट आप स्क्रीन ऑफ एंड ऑन कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैं और भी कुछ फीचर्स ऐड कर देता हूँ, और इन फीचर्स को मैं 2 नंबर फीचर्स में नहीं लूँगा। यहाँ पर जितने भी फीचर्स दिखाऊँगा सब कुछ ही 2 नंबर फीचर्स में होंगे। सो यहाँ पर और एक है, वो है पावर बटन एंड कॉल। तो अगर आप इसको ऑन करते तो आपके पावर बटन को टैप करने के बाद ही आपका कॉल एंड हो जाएगा। सो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है। तो चलिए अब चलते हैं थर्ड फीचर की तरफ। तो मैंने 2 फीचर आपको दिखा दिया, अब थर्ड फीचर की जब जानते हैं तो आप पहले सेटिंग्स को ओपन कीजिए फिर से, और साउंड एंड नोटिफिकेशन का जो आपको यहाँ पर फीचर मिलता है वहाँ पर ओपन करके साउंड एनहांसमेंट पे ओपन कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है BES सराउंड। तो यहाँ पर आप टैप करते ही आपको यहाँ पर मिलता है मूवी मोड, म्यूजिक मोड। तो अगर आपको म्यूजिक सुनना है तो आपके तो पहले ये ऐसा ऑफ रहेगा, आपको इसको ऑन करना है फिर म्यूजिक मोड पे या फिर मूवी मोड पे टैप कर देना है। तो आप म्यूजिक मोड पे टैप करके क्विट कीजिए। फिर यहाँ पर ऑडियो, अगर आप एयरफोन पे सुनते हैं तो एयरफोन वाला यहाँ पर फीचर ऑन कीजिए, अगर यहाँ पर आप स्पीकर से सुनते हैं तो स्पीकर वाला फीचर ऑन कीजिए। तो ये हो गया हमारा थर्ड फीचर। सो हम हमारे चौथे फीचर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चौथा फीचर हमारे नीचे की तरफ है डेवलपर ऑप्शन में। तो अगर आपको नहीं पता डेवलपर ऑप्शन क्या है, तो आप अबाउट फोन पे जाके बिल्ड नंबर पे 7 times शायद क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर एक नया फीचर जुड़ जाएगा, डेवलपर ऑप्शन। आप डेवलपर ऑप्शन को ऑन करके एनेबल कर लीजिए, और फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आइए स्क्रॉल डाउन करते करते, और ये रहा हमारा विंडोज एनिमेशन स्केल। तो इसको आप जितना कम कर देंगे आपका जो एनिमेशन है विंडोज का, यानी कि विंडो का, वो काफ़ी कम हो जाएगा। यानी कि आप जब बैक करेंगे तो काफ़ी स्पीड से, जब ओपन करेंगे तब काफ़ी स्पीड से, अगर ऑफ़ कर देंगे तो कोई एनिमेशन ही नहीं आएगा। तो अगर आप बहुत ही फास्टेस्ट फ़ोन को यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये फीचर काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा चौथा फीचर। तो लास्ट फीचर अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो लास्ट फीचर भी आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर ही मिल जाता है। आप थोड़ा सा ओपन कीजिए, नीचे की तरफ लाइए इसको थोड़ा सा। और यहाँ पर आपको मिल जाता है इनएक्टिव ऐप्स। तो इनएक्टिव ऐप्स को ओपन करने से क्या होता है, आपके फ़ोन में कितने एप्लीकेशंस अभी फ़िलहाल एक्टिव है उनको आप देख सकते हैं, और फिर उनको इनएक्टिव भी कर सकते हैं। एक्टिव इनएक्टिव। सो इससे आपके फ़ोन का जो रैम मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा और स्पीडी हो जाता है, और इससे आपका फ़ोन काफ़ी फास्ट हो जाता है। सो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, अपना ये समय गवा के का बहुत ही बहुत ही बहुत ही अमूल्य समय है और उसको गवा के मेरा इस वीडियो को देखने का
बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों को। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो दिल से तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर कोई खामी रह गई हो वीडियो में, कोई कुछ भी खामी रह गई हो मुझे से, तो डिसलाइक कर सकते हैं आप। और कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट वाला कुछ हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो देखना चाहिए तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।